Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear kids, welcome back. Bachu, in this series we are studying punctuation marks. And we have studied three kinds of punctuation marks, capital letters, full stop, comma and semicolon. अब हम आते हैं colon पे. This is the fourth punctuation mark. Colon क्या होता है? दो बिंदियाँ ऐसे करके. अब ये क्यों use किए जाते हैं, वो हम इसका use पढ़ने वाले हैं. इसके दो use होते हैं. पहले, कभी भी हमें कोई चीज़ की list बनानी है, यानी कि हम आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब हम कॉलन का यूज़ करते हैं यानी कि इसके आगे हम कुछ बात इसी बात से रिलेटेड बताने वाले हैं. यानी कि जैसे मैंने लिखा टाइमिंग्स फॉर टुमारो और फिर मैं लगाऊंगी सेमी कॉलन, यानी कि अब इस सेमी कॉलन के बाद जो मुझे बात लिखनी है वो यही बात से रिलेटेड होगी. यानी कि जब भी मुझे सेमी कॉलन यूज़ करना है मैं उस चीज़ के बाद यूज़ करूँगी जिस चीज़ के बारे में आगे डिटेल्स दे रखी होती हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी है तब हम जैसे शेक्सपियर फोर ग्रेट ट्रेजेडीज़ आर, शेक्सपियर की चार ग्रेट ट्रेजेडीज़ कौन सी थी. ठीक है, इनकी अब हमें इनको डिटेल में बताना है कौन सी थी, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट एंड मैकबेथ. तो ये हमने यहाँ लगाया सेमी कॉलन, यानी कि जिस भी चीज़ की हमें डिटेल देनी है उस चीज़ के बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं और फिर उसकी डिटेल हम दे देते हैं. ठीक है, दूसरा यूज़ है जब हम कोई डायलॉग कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं कि एक ने क्या कहा, फिर दूसरे ने क्या कहा, फिर एक ने क्या कहा, फिर दूसरे ने क्या कहा, तब हम इन सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो सारे ही बच्चों को पता होगा क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं. जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं उस सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क भी हमने पिछली वीडियो में सेंटेंस में पढ़ा हुआ था कि जब हमारे को कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना होता है तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, जो सडन फीलिंग्स देते हैं. ठीक है, जैसे कि सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या हुआ, सडन फीलिंग हो गई एक तरीके से. और हम इसमें क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक और होती है सडन फीलिंग जो हमें इंटरजेक्शन से मिलती है, जैसे ब्रावो, ये, ठीक है, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे, तो ये सब एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. और ये हमें अचानक से सडन फीलिंग देते हैं और इन्हीं से ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बनाते हैं. तो जब इस टाइप के सेंटेंसेस इंटरजेक्शन यूज़ होंगे, या व्हाट लक, वाह कितना अच्छा, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, वाह कितना सुंदर है, तो ये एक्सक्लेमेशन हो गया, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. तो जब भी हम इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करेंगे तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क. अब इसको ध्यान से पढ़िए. अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जब भी हमें ऐसे दे रखा है द टीचर सेड, तो हम उसके बाद कॉमा लगाते हैं. पीछे पढ़ा था ना कॉमा में, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जब हमने कॉमा का पढ़ा था. अब टीचर ने क्या कहा, ठीक है, स्पेसिफिक कुछ टीचर ने कहा होगा, टीचर ने क्या कहा, वो चीज़ हम डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे. इसको कहते हैं कोटेशन मार्क या डबल इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, गो एंड सिट डाउन. तो टीचर ने क्या कहा, जाओ और जाकर बैठ जाओ, गो एंड सिट डाउन. तो टीचर ने कहा, एक पॉज लिया कॉमा, फिर क्या कहा उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे. यानी कि वो पूरी स्पीच जितना टीचर ने कहा उतना सारा ही हम स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे. देखो यहाँ पे देखो, हरी सेड कॉमा, कम ऑन राशिद. अब हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ है, कॉमा यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ राशिद को एड्रेस किया है, राशिद से बात की है, कम ऑन राशिद, लेट्स प्ले क्रिकेट. तो हरी ने क्या कहा, ये सारी चीज़ हरी ने कही, इसीलिए हमने इस पूरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर स्टॉप्ड मी एंड आस्क्ड, एक स्ट्रेंजर ने मुझे रोका और कहा, पूछा, वेयर इज़ द सुपर मार्केट, उसने मुझसे पूछा सुपर मार्केट कहाँ है.
ठीक है, तो उसने क्या पूछा, वेयर इज अ सुपरमार्केट, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ पर आया, जब भी हमें कोई भी कोटेशन देनी होती है किसी भी, जिसने जो कहा है एज इट इज़ उसको दिखाना होता है, तब हम इसका कोटेशन मार्क्स का डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी यूज़ करता है पोजेशन के लिए या फिर सिंपल टर्म्स में कहूँ बिलोंगिंगनेस के लिए, ठीक है। जैसे दिस बुक इज माइन, ठीक, या दिस इज माई बुक, तो दोनों में ये पता चल रहा है कि बुक मेरी है, मेरे लिए मैंने माई का यूज किया है या माइन वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंसेस से पता चला कि बुक मेरी है। अब अगर हम कहें कि ये बुक अमन की है तो हम क्या करेंगे, दिस बुक इज अमन, ये बुक अमन है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। तो दिस इज अमन बुक, ये अमन बुक है, ये भी गलत हो गया। तो अब अमन की बुक बताने के लिए कि बुक अमन की है, हम अमन में ऐसे करके ऊपर से एक कॉमा लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, और इसके बाद लगाते हैं एस, दिस इज अमन्स बुक, यानी कि ये अमन की बुक है। अगर हम एस नहीं लगाते, इस वाले एस का यूज़ नहीं करते, तो क्या बन जाता है ये, कि ये अमन बुक है, अमन बुक तो होती ही नहीं है, तो अमन की बुक होगी, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज अमन्स बुक। ऐसे ही इन शॉर्ट अगर हमें लिखना है अमन की बुक, तो हम इसको सिंपली अमन्स बुक भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, गर्ल्स फादर, लड़की के पापा, हॉर्स लेग्स, घोड़े के पैर, विमेन्स शूज, विमेन के जूते, गर्ल्स बुक्स, लड़कियों की किताबें, सॉरी गर्ल एक ही है, गर्ल एक ही लगा है यहाँ पे, देखो एस नहीं है, गर्ल्स में प्लूरल नहीं है, गर्ल्स बुक्स, लड़की की किताबें, द चिल्ड्रंस मदर। अब चिल्ड्रन में देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल हमें सिर्फ इससे पता चलेगा, ये जो वर्ड लिखा है चिल्ड्रन, चाइल्ड लिखा होता तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाता, चिल्ड्रन लिखा है प्लूरल हो गया, लेकिन चिल्ड्रन की मम्मी, बच्चों की मम्मी, तो बच्चों की मम्मी बताने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना पड़ेगा। सो अपोस्ट्रोफी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ की बिलोंगिंगनेस के लिए, पोजेशन के लिए, कि ये चीज़ किसकी है, वो चीज़ किसकी है, किसकी, किसका, इस चीज़ का बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स सारे बच्चों को पता है कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई नया सेंटेंस यूज़ करते हैं तब हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, कोई नई लाइन शुरू करते हैं तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, और जब भी हम किसी का नेम लिखते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर से उसका नाम लिखते हैं, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ी हैं, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट गॉड, भगवान को इंडिकेट करने वाली जो भी नाउन या प्रोनाउन होती हैं उसको, उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे भगवान के लिए अगर हम ही यूज़ कर रहे हैं तो एच कैपिटल बनेगा, चाहे वो बीच सेंटेंस में कहीं यूज़ हुआ है, चाहे वो स्टार्टिंग सेंटेंस में कहीं यूज़ हुआ है। उसके बाद आई लिखने के लिए या ओ लिखने के लिए भी इंटरजेक्शन ओ, ओ गॉड, जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, ओ गॉड, यहाँ पे ओ क्या है, इंटरजेक्शन है, ना कि अल्फ़ाबेट ओ लिखने के लिए नहीं लिखना होता है हमें, लेकिन जब हम ओ गॉड लिख रहे हैं तब हम ओ कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट इज फॉर डिग्रीज टाइटल्स एक्सेट्रा, लाइक हम मिस्टर लिखते हैं तो हमेशा एम कैपिटल बनेगा, ठीक है। हम किसी भी डिग्री को लिखते हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, यानी कि हम इनके पहले लेटर मास्टर आर्ट्स के पहले लेटर कैपिटल बनाएंगे, और शॉर्ट में लिखेंगे मास्टर आर्ट्स तो एम ए कैपिटल लिखेंगे। ऐसे ही बीकॉम का देखो, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल बनता है, लाइक बी का, बैचलर का बी और कॉमर्स का कॉम, लेकिन सी कैपिटल बनेगा क्योंकि पहला लेटर सी है। सर, मैडम, ये सारी चीज़ें जब भी हम बीच में भी लिखते हैं तब भी हम इनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। फॉर इंटरजेक्शन इन द बिगनिंग ऑफ कोटेशंस, जब भी हम इंटरजेक्शन ओह, अलास, हेलो, ब्रावो, माय गॉड, हुर्रे, इस तरीके से जब भी हम कोई इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, उसके बाद तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, लेकिन उसका जो भी पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं,
और आपको शायद ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन से कोटेशन मार्क कहाँ पे, सॉरी कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे यूज़ होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1 करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ऑल द बेस्ट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।